आगामी 17 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की एग्जीक्यूटिव जो हमारी बॉडी है उनकी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमें हमारे सारे जिलाध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हाल ही में हमने नियुक्ति की है एट्रोसिटी कोऑर्डिनेटर्स की, वो भी इसमें भाग लेंगे, और जिला वाइज और ब्लॉक वाइज हमारे जो सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी हमने इस बैठक में बुलाया है। लगभग 150 के करीब पार्टिसिपेंट्स इस बैठक में रहने वाले हैं, और हम जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास सेटअप है उसमें थोड़ा सा रिशफल जो है हम करना चाहते हैं, तो उसी सहमति के लिए और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने ये जो बैठक है 17 तारीख को राजीव भवन शिमला में बुलाई है। देखिए, नेशनल AICC ऑफिस से हमें संविधान रक्षक की नियुक्तियों का फरमान जो है वो जारी हुआ है, और हिमाचल प्रदेश को 50,000 संविधान रक्षक बनाने का जो है एक टारगेट हमारी नेशनल बॉडी ने सेट किया है। ये मेंबरशिप और ये इनरोलमेंट्स कैसे होगी इसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे ब्लॉक लेवल तक एट्रोसिटी कोऑर्डिनेटर्स जो है हमने नियुक्त किए हैं उनका क्या रोल रहेगा सोसाइटी के अंदर और वो कैसे काम करेंगे उसके ऊपर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप, और जो हमारे ब्लॉक लेवल तक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका जो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या रोल रहने वाला है उसकी जो है उसके ऊपर हम एक वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसी दिन आयोजित करने वाले हैं। जो भी निष्क्रिय हमारे पदाधिकारी हैं डेफिनेटली इस मीटिंग में उनके ऊपर सर्वसम्मति से पूरे एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है हम इसको प्रस्ताव को उस मीटिंग में रखेंगे, और जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनको हम उनकी छटनी करके उनको किसी और जिम्मेवारी में लगा के हम नए लोगों को अपने संगठन में लेंगे। आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि शेड्यूल कास्ट वोटर ने कांग्रेस के फेवर में जो है वोट किया, और उसका रिजल्ट है कि 17 में से 10 विधानसभा जो है हम जीते। निश्चित तौर पे जो भारत का अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऋणी है, क्योंकि आज तक की जितनी भी स्कीमें हैं मैं समझता हूँ मैक्सिमम स्कीम्स को कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व में सरकारें केंद्र के अंदर रही उन्होंने ही जो है इसको अमलीजामा आज तक पहनाया है, और जो भी आज तक SC वर्ग को मिला है मैक्सिमम चीज़ें कांग्रेस पार्टी की ही पूर्व की सरकारों की देन है।